हेलो। यस मैम। आवाज आ रही है बेटा आपको? यस मैम। हेलो। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके 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 ओके। लेग कफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि बेटा एक्सरसाइज में जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी, कोई चीज पड़ी होती है ना तो वो जम जाती है, बाद में जब हम उसकी स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें तो वो टूट जाती है लेकिन स्ट्रेच नहीं होती। ठीक है, सेम इज द केस विद मसल्स। सेम इज द केस। सेम इज द केस विद लेग ऑफ एक्सरसाइज। मैम, आपके पास दो डिवाइसेज हैं, तो एक डिवाइस से आप लीव कर दें मीटिंग। आप लोग यहाँ से हमजा म्यूट करें, जो आपने मुझे अनम्यूट किया था ना, यहाँ से मैंने स्क्रीन शेयर की है। ओके ओके, उधर से मैंने म्यूट कर दिया आपको। ठीक है, आप ऐसा करें कि जो आपका लाइक लैपटॉप है ना, तो वो थोड़ा दूर रख दें मोबाइल से, या मोबाइल थोड़ा दूर कर दें, ये साथ साथ ना रखें। नहीं नहीं अब ठीक है, पहले ना मैंने दोनों साइड्स अनम्यूट करके कर लिया था, अब ठीक है। अच्छा, लेग ऑफ एक्सरसाइज में मैंने आपको एग्जांपल दे रही थी, इसमें ये होता है कि जब आप कुछ ज्यादा टाइम के लिए अपने मसल्स को वर्किंग में नहीं लेके आते तो मसल्स टूट तो जाते हैं लेकिन उनमें स्ट्रेचिंग नहीं रहती। ठीक है, एक्सरसाइज का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं, लेकिन आप इससे अपने मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सरसाइज इज नॉट ओनली हेल्प्स यू टू एक्सपेंड मोर कैलोरीज व्हाइल यू आर फिजिकली एक्टिव, एडल्ट्स एज 18 to 64 नीड अबाउट 2.5 hours ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी ईच वीक। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जिसके साथ आपको डिहाइड्रेशन इश्यूज ना हो। ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी के आपने बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उसको नहीं करना। एरोबिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको जिसमें सांस ज्यादा फूले। हाफिजा वर्दा प्लीज अपना माइक ऑफ कर। ओके, आपको ये कह रहे हैं कि एक हेल्दी पर्सन को भी जो है वो 2.5 hours एक हफ्ते में एरोबिक एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, अपने मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए। डाइट, इट मे बी टेम्पटिंग टू सीवियरली रिस्ट्रिक्ट योर कैलोरीज और स्किप द मील्स टू लूज वेट, बट दैट मे बी सेल्फ डिफीटिंग प्रैक्टिस। नॉट ईटिंग एनफ कैन एक्चुअली कॉज योर मेटाबॉलिज्म टू स्लो डाउन। In an attempt to conserve calories, eating small meals throughout the day may be helpful. Okay, अब होता क्या है, आजकल सबको ये लगता है कि हम कम खाएंगे तो हम स्मार्ट हो जाएंगे, हालांकि ये बिल्कुल नहीं होता। आजकल जो सबसे ज्यादा स्टक वेट इश्यूज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, पहले उसका 5 kilos वजन गिर गया, फिर 4 kilos गिर गया, फिर 3 kilos, आहिस्ता आते आते एक दो दफा इस तरह होता है कि उनका वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो वहां पे इश्यूज जो है वो उसके मेटाबॉलिज्म के आ रहे होते हैं, और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्टक वेट सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में करवाता है जब आपकी बॉडी कोई भी कैलोरिक डेफिशिएंट हो जाएगी। ठीक है, आपकी बॉडी में लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा, मतलब आप अपनी बॉडी को एक्टिविटी नहीं करवा रहे। ठीक है, फर्स्ट रीजन मैंने आपको क्या बताई है, स्टक वेट की। ये डाइट जो है स्टक वेट से रिलेटेड है, इस वजह से मैं इसको रिलेट करके बता रही हूँ। स्टक वेट आपकी बॉडी में तभी होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरिक डेफिशिएंट हो जाती है। सेकंड, जब आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं होती, आपके मसल्स एक्टिव नहीं होते। नंबर थ्री, जब आपकी डाइट में आपके मेजर फूड ग्रुप्स कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, नंबर फोर,
जब आपकी टाइमिंग्स मैनेज नहीं होती, ठीक है? ये रीजंस होती हैं जो आपके वेट को स्टक करवाती हैं, क्योंकि हम लोग जो डाइटिशियंस है ना, कुछ कुछ तो वो बहुत इस तरह करते हैं कि हम लोग पेशेंट का हर मतलब सब कुछ छुड़वा देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जब आपका बॉडी कैलोरिक डेफिशिएंट की तरफ जाता है, तब उसका वेट स्टक हो जाता है, और उसके स्टक वेट की वजह से आपको फिर उसको अगेन जो है वो दोबारा से कहना पड़ता है कि आप 5 डेज रेस्ट करें, और 5 डेज रेस्ट में आपका जो दिल करता है वो आप यूज करें, ठीक है? उसको बिल्कुल नॉर्मल ईटिंग पे ले आते हैं, एंड देन पेशेंट दोबारा डाइटिंग की तरफ जाता है। देन आपके पास मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज हो जाता है, और इन सब मेडिसिन में आपके पास दो कैटेगरीज आती हैं। इसमें मैंने सिर्फ ये मेंशन किया हुआ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, लेकिन दूसरा आता है हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं जो आप लोग प्रेगनेंसी को स्टॉप करवाने के लिए यूज करते हैं। कोई भी इमरजेंसी पिल्स या एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो आपके वेट को इंक्रीज करवाती हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी में फैट सेल्स की प्रोडक्शन को ज्यादा करवा देती हैं। अब मैं आपको ये तो बता रही हूँ करवा देती हैं, लेकिन कैसे करवाती हैं वो नहीं बता रही, वो इसलिए क्योंकि इतने लंबे चौड़े साइकिल्स हैं कि आपको एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करवा सकती, ठीक है? ओबेसिटी में भी बेटा आपके सिर्फ ओबेसिटी, ये जो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ये भी बहुत कम है। ओबेसिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें इवन के आते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर 2 फैट्स होते हैं, ब्राउन फैट्स होते हैं, व्हाइट फैट्स होते हैं। ब्राउन फैट्स आपकी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, व्हाइट क्या करते हैं, दोनों को कैसे बर्न करना होता है, कैसे कन्वर्ट करना होता है, वो एक अदर टॉपिक है इंशाल्लाह, मैं आपको फिर कभी इस पर लेक्चर दूंगी। फिलहाल ओबेसिटी के मैनेजमेंट किस तरह से वही बता रही हूँ मैं आपको। देन इट इज वेदर। हम लोग ये तो कहते हैं कि सर्दियां एक बहुत अच्छा वेदर है वेट लूज करने के लिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक्सपोजर टू कोल्डर टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो तेज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो फिर हमारा वेट कम हो जाना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों नहीं हो रहा होता? यू कैन हैव डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन कैन कॉज द पीपल टू वेट गेन। जब बहुत ज्यादा टाइम के लिए आपके जो मसल्स हैं वो शिवर करते हैं तो डिप्रेशन होता है, और इस डिप्रेशन की वजह से आपका वेट गेन होता है। मेटाबॉलिज्म क्यों तेज होता है? क्योंकि आपकी बॉडी शिवर कर रही होती है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ठीक है? इस वजह से हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो वेदर है, सॉरी कोल्ड वेदर है, उसमें इंक्रीज हो जाता है। इलनेस, किसी भी बीमारी के केस में जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इश्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेल की इसमें एग्जाम्पल दी हुई है, एक फीमेल की दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल में थायराइड के मसले हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन एक एनफ अमाउंट में नहीं बना रहा होता, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं और वेट गेन हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मेल की। मेल में क्या है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से थायराइड हार्मोन फीमेल्स में जो थायराइड हार्मोन है ना, जिस तरह से उनमें फंक्शन करता है, इसी तरह से मेल में वही फंक्शन टेस्टोस्टेरोन कर रहा होता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से वेट गेन होगा। ओके, अब यहाँ पे आगे, इससे आगे जो है मैंने डाइटरी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी है सारी, इससे पीछे जितना भी इसका क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के आप मुझसे कर सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि 26 वेज दैट आर एक्चुअली एविडेंस बेस्ड, कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसकी बेस पे आप लोग वेट कम करवा सकते हैं। ड्रिंक वाटर स्पेशली बिफोर मील। पानी क्यों लाजमी पहले पी लेना चाहिए, ताकि आपका जो स्टमक फुलनेस है वो आपको फील हो। ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट उसकी लीन सोर्सेज के लिए। ड्रिंक कॉफी प्रेफरेबली ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कॉफी जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। ग्रीन टी भी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप ले सकते हैं। एक सप्लीमेंट मिलता है ग्लूकोमेनन के नाम से जो आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन जो है उसको कम कर देता है, उसको सप्रेस करता है, ठीक है? और आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में जो हंगर हार्मोन है उसको कम करता है और स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रेशर में नहीं आती। आपकी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं होता, प्रेशर में नहीं आती, तो आपकी बॉडी को ओबेसिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। कट ऑन एडिड शुगर। जो आप एडिड शुगर है, एक तो नेचुरल शुगर होती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एप्पल खा रही हूँ, पीच खा रही हूँ, या कुछ भी इसमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट है, मैं ओट्स ले रही हूँ, या फिर हम लोग गंदुम ले लें, होल व्हीट ले लें, इन सब में नेचुरल शुगर होती है। तो नेचुरल शुगर के अलावा जैसे हम लोग कोई कस्टर्ड ले लो या ट्राइफल वगैरह यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडिड शुगर। सो वो आपने यूज नहीं करनी।
लेस रिफाइंड कार्ब्स यूज करने हैं, मतलब होल की तरफ आपने जाना है, क्योंकि होल में फाइबर होता है और जो फाइबर है वही आपकी बॉडी में से आपके फैट्स को एलिमिनेट करवाता है। ओके बेटा, एक मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि टोटल बॉडी फैट्स हम लोग कम करवा लें, ठीक है, वो हम लोग किस तरह, हम लोग उनकी हम जब टोटल बॉडी फैट किसी पेशेंट का कम करवाते हैं तो हम लोग उनको डाइट देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, उनको एक्सरसाइज बताते हैं, वो कम हो जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट का विजरल कम करवाना होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं? विजरल वही होते हैं ना जो उसके बॉडी ऑर्गन्स के दर्द होता है, तो जब हमने पेशेंट के विजरल कम करवाने होते हैं तब हमें उनकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को, मेडिटेशन को और योगा को इंक्रीज करवाना पड़ता है। इंक्रीज क्यों करवाना पड़ता है, और स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइजेस को करवाना पड़ता है। मेडिटेशन में भी आपकी एरोबिक होती है, योगा में भी आप ज्यादा एरोबिक करते हैं, और दूसरी जो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस होती है उसमें भी आप एरोबिक को प्रेफर करते हैं। एरोबिक को प्रेफर करके क्या होगा कि आपके जो आपकी बॉडी है उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी वर्किंग ज्यादा होगी, जब वर्किंग ज्यादा होगी तो उनके मसल स्ट्रेच होंगे, जब मसल स्ट्रेच होंगे तो उसकी फैट पिघलेगी। ओके, गो ऑन लो कार्ब्स डाइट। लो कार्ब्स डाइट में आपको पहले ही इसकी रीजन बता चुकी हूँ, यूज स्मॉलर प्लेट्स। स्मॉलर प्लेट्स का मतलब होता है पोर्शन कंट्रोल करके आपने उसको यूज करना है, पोर्शन कंट्रोल और काउंट कैलोरीज के, आप जो भी खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं। ओके, समटाइम ये होता है बेटा कि हम लोग जब फूड्स ले रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्लान बनाना है अगर 1800 किलो कैलोरीज का, तो 1800 किलो कैलोरीज में हमारे पास बहुत ज्यादा फूड्स आ जाते हैं, तो उन बहुत ज्यादा फूड्स को कम करने मतलब हम लोग उन मील्स में क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज ऐड कर देते हैं जिसकी क्वांटिटी कम हो, मतलब कम क्वांटिटी में भी वो हमें कैलोरीज ज्यादा दे दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को पता है पीनट बटर की कैलोरीज कितनी होती हैं? किसी को पता है पीनट बटर की कैलोरीज कितनी होती हैं? बट इसके 100 ग्राम्स में जो है ना 500 किलो कैलोरीज होती हैं, तो 1 ग्राम में कितनी बनी? Hello? किसी को पता है 1 टीस्पून में कितनी होती है? होती है 1 टीस्पून में, एंड देन इसको इंक्रीज करते रहते हैं क्योंकि 3 टीस्पून जो होते हैं वो 1 टेबलस्पून के इक्वल होते हैं। तो समटाइम जब हमारी बेटा कैलोरीज पूरी नहीं हो रही होती तो पेशेंट को हम लोग इस तरह के फूड दे देते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री चीजें दे देते हैं ताकि उनकी कैलोरीज कॉम्पेंसेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो प्लान बनाया है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जो प्लान बनाया है मेरी 1800 में से 1600 कैलोरीज तो पूरी हो गई है, लेकिन अब 200 जो रहती हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो जब हमने उनको कंप्लीट करवाना होता है तब हम उस फूड, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 बजे स्नैक टाइम में किसी को एप्पल दे रही और मेरी कैलोरीज कंप्लीट नहीं हो रही, तो मैं उन कैलोरीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए उसके साथ पीनट बटर अगर ऐड कर दूंगी तो एक तो वो हाई कैलोरिक हो जाएगा, ठीक है, और मेरी कैलोरीज भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरी कैलोरीज पूरी नहीं होंगी तो पेशेंट स्टक वेट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी फूड्स होते हैं, जैसे हम लोग नट्स ऐड कर देते हैं, कुछ बटर्स ऐड कर लेते हैं, इवन कि कुछ प्लान्स में चीज ऐड कर दी जाती है या गार्निशिंग के तौर पर हम कुछ ऐड करते हैं, तो वो हम लोग उनकी कैलोरीज डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमेशा करते हैं। तो किसी भी पेशेंट का डाइट प्लान जो होता है वो हमेशा एक ट्रिक होती है कि आपने उसको किस तरह से बनाना है। जरूरी नहीं होता कि आपने वो लकीर के फकीर रहना है कि सुबह दलिया, दोपहर में सलाद, रात को चिकन, 1 सेब, दूध, सिर्फ ये प्लान्स नहीं होते। ओके, कीप हेल्दी फूड अराउंड इन केस यू गेट हंग्री। हाँ अच्छा जी, इसका क्या मतलब है कि आपके पास पॉकेट में ऑल द टाइम, जैसे ओबेसिटी का पेशेंट है फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पेशेंट है तो मैं उसको हमेशा स्नैक के लिए उसको रोस्टेड बीन्स देती हूँ, ठीक है, या मैं उसको कहती हूँ आपने पास ड्राई फ्रूट्स रखने हैं, तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको भूख लग रही है तो आपने उसमें अपने पास कोई ना कोई हेल्दी स्नैक रखना है। टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह है अगर उसकी वजह से भी तो आपका वेट इंक्रीज होता है, तो ये उसको देख। ईट स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड से आपकी थर्स्ट इंक्रीज होती है, जब थर्स्ट इंक्रीज होती है तो आप पानी ज्यादा पीते हैं, और जब पानी ज्यादा पीते हैं तो आपका स्टमक फिल्ड फीलिंग्स हो जाती है। डू एरोबिक एक्सरसाइज मैं पहले बता चुकी हूँ, लिफ्ट वेट पहले बता चुकी हूँ, ईट मोर फाइबर ये भी बता चुकी हूँ क्यों लेना है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ज्यादा लेने हैं क्योंकि वो भी हाई इन फाइबर होते हैं, एनफ स्लीप पीछे इसका भी जिक्र हो चुका है। बीट योर फूड एडिक्शंस।
फूड एडिक्शंस का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आ रहा है प्लान के लिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैं किसी के पास ओबेसिटी के प्लान के लिए जा रही हूँ और मेरी एडिक्शन है कि मैं दिन के 3 कप चाय के पीती हूँ, तो आप अगर पेशेंट को फर्स्ट विजिट में ये कह देंगे कि आपने तीनों के तीनों कप नहीं लेने, तो पेशेंट कभी भी प्लान फॉलो नहीं कर सकता. बीट योर फूड एडिक्शन का मतलब होता है कि आपने उसको बिल्कुल ट्रिक के साथ मोल्ड करना है. पहले तो उसका बनाने का तरीका पूछिए कि आप उसको किस तरह से बना रहे हैं. उनको जो वो टी वाइटनर ड्रिंक अगर यूज करें, टी यूज करें, उसको आप लोग ब्लैक टी से रिप्लेस कर सकते हैं. उनके कप का साइज पहले छोटा करवा सकते हैं. साइज कप का साइज छोटा करवाने के बाद आप उसके ट्री टाइमिंग्स को 2 पे रिप्लेस कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से कम करवाते हैं. आप किसी भी पेशेंट के एडिक्शन को या किसी भी चीज को एट अ टाइम रिड्यूस नहीं करवा सकते. सप्लीमेंट विद द वे प्रोटीन. वे प्रोटीन क्या करती है, आपकी जो मसल मसल्स की मसल सॉरी मसल्स वर्किंग जो है वो इसको इंक्रीज करती है. डू डोंट डू शुगर ड्रिंक्स इंक्लूड सोडाज एंड फ्रूट जूसेस. ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने जो एडिड शुगर्स है वो यूज नहीं करनी. होल वेट लेना है. डोंट डाइट, ईट हेल्दी इंस्टेड. डोंट डाइट का मतलब है कि डाइट में आपको मैंने पहले भी बताया कि रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं लोग, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना. लेकिन आप लोगों को स्टे हेल्दी, लाइक आपने पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए. आपके एक प्लेट है, उसमें आपको पता होना चाहिए कितना पोर्शन कार्ब्स का है, कितना फैट्स का है, कितना प्रोटीन्स का है. अगर आप उन फैट कार्ब एंड प्रोटीन में से भी नेक्स्ट चॉइसिस करें तो उसमें से भी आप कौन कौन से यूज करेंगे. इवन कि आप अगर ऑयल वगैरह यूज कर रहे हैं तो उस ऑयल में भी आप कौन से वाला ऑयल सेलेक्ट करोगे. मे भी आप में से कोई जानता हो या नहीं जानता हो कि हम लोग जब ऑयल यूज करते हैं ओबेसिटी में तो हम लोग स्मोक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ऑयल यूज करते हैं कि स्मोक पॉइंट किस ऑयल का कितना है, उसको उसी तरह से कुकिंग में यूज किया जाता है. हम लोग बड़ी बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल की, उसके क्या स्मोक पॉइंट्स हैं, किस तरह से है. हम लोग डाइटिंग में कोकोनट ऑयल यूज करवाते हैं, उसका क्या स्मोक पॉइंट है. आप इन चीजों को सर्च करना चाहिए. मतलब स्मोक पॉइंट इज अनदर टॉपिक, लेकिन अभी मैं ओबेसिटी पढ़ाऊंगी आपको. अच्छा जी, बेली फैट्स के लिए आपके पास बड़े सवालात आएंगे पेशेंट की तरफ से कि जी बेली फैट कम करनी है, तो उसके लिए हम लोग कुछ बता दें. तो ये सारे बेली फैट्स के लिए हैं. लूज बेली फैट विद डैंडलियन टी. डैंडलियन टी अवेलेबल है कनक्रोंदा के नाम से, ये जो पंसार की दुकानें होती है वहां से मिल जाता है. क्रेनबेरी जूस है, ग्रीन टी आप उसको दे सकते हैं. मोर हॉट पेपर्स, चिया सीड्स, जिंजर टी, प्रॉपर एक्सरसाइज, हेल्दी हर्ब्स, फिश ऑयल दे सकते हैं, लेमन थ्रू आउट द डे, गार्लिक टू यू मील, जो मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जो गार्निशिंग वगैरह ऊपर करवा रहे होते हैं. लीन सोर्सेज यूज करने हैं. लूज बेली फैट्स विद क्विक ट्वीक्स टू योर हैबिट्स. इसका मतलब होता है कि आपने अपनी हैबिट्स को बहुत जल्दी मोल्ड करना है. जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिए टी वाली, ये इसकी एग्जाम्पल है. ड्रिंक मोर वाटर, स्टाइटी फीलिंग्स के लिए इम्प्रूव योर डाइट एंड कट आउट द प्रोसेस्ड फूड्स. ये एक्सरसाइजेज हैं जो आप बेली फैट्स के लिए यूज कर सकते हैं फॉर डेली यूज. ओके, नेक्स्ट कुछ रेसिपीज हैं ओबेसिटी के लिए. ये मेरे स्टूडेंट्स हैं इंटर्नशिप के, जिन्होंने ये बनाई थी. मे बी आई डोंट नो इसमें से कोई है कि नहीं, लेकिन ये सारे जितने भी अभी ये रेसिपीज हैं ये स्टूडेंट्स ने बनाई हुई हैं. ठीक है, अब इसमें है क्या क्या था. ओके, फर्स्ट एक बच्ची ने बनाई थी मेटाबोलिक टी फॉर बेली फैट्स. इसमें आपको पहले मैंने बताया था सिनेमन टी आप उसको दे सकते हैं. इट इज सिनेमन ड्रिंक. रॉ वेजेस सैलेड जिसमें उसने रॉ वेजिटेबल यूज की हुई है. ओके, मिक्स्ड फ्लोर चपाती प्लस हर्बल योगर्ट. अच्छा, पहले पीछे आपने एक वर्ड बोला पढ़ा था कि इसमें आपने हर्ब्स को यूज करना है. ये देखिए, ईट मोर हेल्दी हर्ब्स. उसी हर्ब्स को यूज करते हुए उसने योगर्ट में यूज किया है और साथ में उसने होल व्हीट चपाती यूज की है, और चपाती में भी उसने वो हर्ब्स यूज किए जिसकी मदद से वेट लूज हो सकता है. ठीक है, और ये हर्ब्स जो है आगे आएगी डाइट उसमें आएगा भी. लेकिन इसमें उसने क्यूमिन सीड यूज किया है, साथ में सिनेमन पाउडर, गार्लिक पाउडर और फिनोग्रीक, इन सब का पाउडर डाला है. और साथ में उसने थोड़े से मिंट लीव्स लिए हैं और सिली स्टिक्स लेके उसको भी चॉप किया हुआ है, और वो रोटी में अच्छी तरह जैसे आटा गूंथते हैं उसमें गूंथ के उसने ये रोटी बनाई हुई है. और साथ में उसने ये योगर्ट लिया था जिसमें उसने जितनी भी हर्ब्स वगैरह उसको ऐड किया हुआ है. ठीक है, तो ये एक आइडिया होता है किसी भी पेशेंट को चीज़ देने का, क्योंकि आपका एक प्लान जो है वो 5 to 6 days के बाद बोरिंग हो जाता है. तो आप पेशेंट्स को इंग्रेडिएंट्स बताएं कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको बनाने का तरीका अब आप पे डिपेंड करता है. अगर आप इसको सिर्फ योगर्ट में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको रोटी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ब्राउन ब्रेड के जब सैंडविचेस बनाएंगे तो उसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पर भी यूज करते हैं. इट्स इंटायरली अप टू पेशेंट्स. नेक्स्ट इज ब्राउन ब्रेड फिलेट्स.
ब्राउन ब्रेड फिलेट्स क्या था, एक स्टूडेंट ने ये ब्राउन ब्रेड लिया, ब्राउन ब्रेड उसका होल व्हीट कॉन्सेप्ट था और साथ में इसके ऊपर इसने डिफरेंट मशरूम्स और सॉरी ऑलिव्स यूज किए हुए हैं और साथ में टोमेटो यूज किया हुआ है। टोमेटो बेटा विटामिन सी हमेशा वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। आप पेशेंट को जब भी कोई प्लान देते हो या कुछ भी करते हो उसमें टमाटर हमेशा लाजमी यूज करवाते हैं आप। इवन के अगर पेशेंट टमाटर रॉ फॉर्म में यूज नहीं कर सकता तो उसको केचप की जगह आप टमाटरों का उसको कहते हो कि पेस्ट बनाया और उस पेस्ट के अंदर आपकी तमाम हर्ब्स जो आप वेट लूज के लिए यूज करवा सकते हैं वो आप ऐड करवा सकते हैं। कि आप उसे कहें कि जी आपने टमाटर लेना है उसका पेस्ट बना लेना है, उसके अंदर अपनी सारी हर्ब्स ऐड करनी है, उसको 1 से 2 मिनट जो है वो चूल्हे पे आपने उसको समझे गर्म कर लेना है, वो चटनी से बन जाएगी और वही चटनी आप उसको यूज करवा सकते हैं फॉर वेट लूज। आपके डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं जो आप पेशेंट को यूज करवा सकते हैं। मैं उसको सिर्फ टमाटर नहीं खिला सकती तो डजंट मीन कि मैं उसको टमाटर किसी और फॉर्म में नहीं दे सकती। बाकी ये जो सैंडविचेस है इसमें भी ये आइडिया यूज किया गया, उसमें सारे उसने डाली हुई हैं वो वेजिटेबल्स डाली हुई हैं और चिकन डाला हुआ है। डाइट रोल्स हैं, डाइट रोल्स में क्या किया गया, क्योंकि पेशेंट जो होता है उसको चाहिए होता है कि मुझे थोड़ा कुछ अच्छा भी दिया जाए, तो उसको अच्छा देने के लिए जो वाइट एग वाइट है उसकी मायोनीज बनवाई गई थी और उस मायोनीज के बाद अंदर उसको फिश का जैसे एक शवारमा का प्लेटर होता है ना सारा, वैसे शवारमा मटेरियल पूरा बनाया गया, वेजिटेबल ऐड की गई और जो रोटी बनाई गई है वो इंटायरली होल व्हीट और मिक्स्ड फ्लोर मिक्स करके उसमें वही वाली सारी स्पाइसेस ऐड करके उसको बनाया गया रोटी को, और बाद में उसके अंदर जितना भी उसका फिलेट था वो ऐड किया गया और ये डाइट रोल्स है। स्पाइसेस बेस्ट अगेंस्ट द ओबेसिटी, स्पाइसेस अगेंस्ट द ओबेसिटी में आपके पास ये सिनेमन है, ये करी पत्ता है, करी पत्ता है, अदरक है और ये आपने कभी वो नहीं होते जो सूखी मेथी, ये वो है, ठीक है, ये बहुत अच्छी होती है वेट लूज के लिए। साथ में ब्राउन राइस है और ये है आपके सिनेमन, ये है करी पत्ता, करी पत्ता सिनेमन इसकी ड्रिंक बहुत मशहूर है। रात को सोने से पहले दूध में हल्दी डाल के भी दे सकते हैं। और ये जो है सूखी मेथी, आप इसको जब भी कोई अपनी वो आप उसको डाइट वगैरह बताते हैं कि आपने इसको कुक करना है किस फॉर्म में करना है, बाद में आप उसको ये ये जो है सूखी मेथी दिलवा के उसको 1 to 2 मिनट्स के लिए स्टीम दिलवाते हैं। और जिंजर जो है, जिंजर तो एज अ ड्रिंक भी यूज किया जाता है। ब्राउन राइस से अगर आप पेशेंट राइस खाने हो तो व्हाइट खाएगा तो वाटर ड्रेन खाएगा, वरना ब्राउन राइस देने आपने उसको। ओके, लीन कैप्सिकम बॉल्स, लीन कैप्सिकम बॉल्स में क्या किया गया था, ली गई थी फिश, उसको चॉप किया गया था और फिर उसके बॉल्स बनाए गए थे वेजिटेबल्स ऐड करके। और आप लीन सॉस के लिए जरूरी है कि फिश यूज करें, आप इसमें चिकन भी यूज कर सकते हैं, इवन कि आप डाइटिंग में उसको मीट भी यूज करवा सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ आपने ये करना होता है कि आपने उसको पेशेंट को कहना पहले इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद यूज करें। एग एंड स्पिनच रोल्स, एग एंड स्पिनच, स्पिनच होती है पालक और प्याज, पालक और जितनी भी उसकी हर्ब्स हैं उसको यूज। ट्रेडिशनल सैलड जो तकरीबन हर घर में यूज किया जाता है, होल व्हीट है, बिस्किट्स हैं जो आप लोग उसको ग्रीन टी वगैरह के साथ दे सकते हैं, होल व्हीट ये एज अ स्नैक यूज होते हैं। चिकन एंड वेजिटेबल सैलड है जिसमें आप देख रहे हो गए चिकन भी यूज हो रहा है, रॉ वेजिटेबल भी यूज हो रही है, लेमन भी यूज हो रहा है, तो आप ये पेशेंट को दे सकते हैं जी। अब आ जाएं भाई क्वेश्चन आंसर्स, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर लें अगर किसी को क्वेश्चन है तो। जी मैंने अलाउ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक बात पूछनी थी। मिस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि डाइट, एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स का आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है डाइट तो हम लोग बहुत ज़्यादा टफ ले रहे होते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, या बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे होते हैं आपका डाइट और एक्सरसाइज पे कंट्रोल नहीं होता है, आप उसको सही से नहीं कर पा रहे होते, तो इन तीनों चीज़ों का कितना ज़्यादा कनेक्शन है कि हम इनको मेंटेन करके अपना ओबेसिटी को कवर कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन। ओके बेटा, आप लोग जब भी ओबेसिटी कर रहे होते हैं साथ में हम लोग जब सप्लीमेंट ले रहे होते हैं ना, तो सप्लीमेंट हमेशा एक बात याद रखें वो डेफिशिएंसी के लिए होता है। जब हम किसी पेशेंट को सप्लीमेंट, ये नीचे कोई क्वेश्चन करे बेटा, अब तो आपका माइक खुला है, आप माइक खुले में भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा सप्लीमेंट, तो बेटा सप्लीमेंट जो है वो आप हमेशा पेशेंट की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तब आप अपनी बॉडी का वेट लूज नहीं करवा सकते। अब आपसे कह दिया जाए कि आज रात
बल्कि हुआ भी है कि आपसे कह दिया जाता है कि जी सुबह पेट्रोल की हड़ताल है तो आज लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी सारी पेट्रोल लेने के लिए. तो सेम इज द केस विद द बॉडी. जब पहले से ही बॉडी डेफिशिएंट है, आगे से उसको पता चल जाएगा कि डाइटिंग स्टार्ट होने वाली है, मुझे कुछ मिलना नहीं है, तो पहले से रिजर्व बनाना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपका वेट लूज नहीं होता. सप्लीमेंट जब आप पेशेंट को दे रहे होते हो विद डाइटिंग, तो हमेशा उसकी डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए दे रहे होते हो. जो डाइट करवा रहे होते हो उसके मेटाबॉलिज्म को रिस्की हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए करवा रहे होते हो, और जो आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे होते हो वो आपकी बॉडी शेप या आपका बॉडी का स्पेसिफिक ऑर्गन टारगेट होता है कि आप किस जगह से अपनी फैट कम करवा रहे हो या फिर आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करवा रहे हो. यही क्वेश्चन था आपका. जी मिस, बस एक और सवाल है जी जी पूछें. कि डिप्रेशन जब होता है, आपने एक बात कही थी कि उसके अंदर खाना आपकी कम आवाज कर बहुत देते हैं कट रही है. और वे मिस आवाज आ रही है? जी जी हेलो लेकिन कट रही है. आप इसको टाइप, आप इसको बाद में टाइप भी कर दीजिएगा. जी जी बोले आप, बोले आप. आपने एक बात बताई थी कि डिप्रेशन में जो खाना होता है वो हम लोग कम कर देते हैं स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि डिप्रेशन में बाज लोग बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, मेरे चॉकलेट्स खा रहे डिप्रेशन जो होते होता हैं, है तो उसमें इसका आपका मतलब सिर्फ वेट आपकी कम, जो डिप्रेशन है ना उसमें आपकी इरेगुलर ईटिंग्स होती है. जो इरेगुलर ईटिंग्स होती है उसमें आप ज्यादा भी खा सकते हैं और आप कम भी खा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो जाके टारगेट करता है आपके स्टमक पे. बहुत से डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ओबीस होते हैं, बहुत से डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं. तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट की कौन सी टाइप है. कुछ पेशेंट जो डिप्रेशन होता है वो इरेगुलर ईटिंग की तरफ लेके जाता है. मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि पेशेंट ज्यादा खाता है क्योंकि मैं ओबेसिटी पढ़ा रही थी, लेकिन इरेगुलर ईटिंग होती है. जो इरेगुलर ईटिंग होती है वो दोनों पैटर्न की होती है. पेशेंट ज्यादा भी खा सकता है, पेशेंट कम भी खा सकता है. तो अगर वो ज्यादा खाएगा तो ओबेसिटी की तरफ जाएगा, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आपका स्टमक स्पॉइल होता है क्योंकि उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों पे फर्क पड़ रहा होता है. ओके मिस, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मेटाबॉलिज्म इश्यूज को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे आपने बताया कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत कम खाते हैं तो वो कहते हैं कि हम फिर भी ओबीस हो गए हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो फिर भी उन्हें कुछ नहीं लगता उनका फूड. तो इस इश्यू को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म के इश्यू को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? जी ओके. मेटाबॉलिज्म का बेटा ये कंफर्म नहीं, हम लोग कहते हैं कि किसी पेशेंट का अगर वेट लूज नहीं हो रहा, वेट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो मेटाबॉलिक इश्यूज ही होंगे. बेटा जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, तो फर्स्ट हम उसकी असेसमेंट ही करते हैं. जब हमारे पास सेकंड स्टेप होता है ना, तो वो हमेशा होता है हमारे बायोकेमिकल्स. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पेशेंट है, मुझे लग रहा है कि जी इसका कोई ना कोई मेटाबॉलिक इश्यू है, तो मेटाबॉलिक इश्यू के लिए मैं ये नहीं कि उसकी कंफर्मेशन टेस्ट नहीं करवाऊंगी, फिर मैं उसके पहले कंफर्मेशन टेस्ट करवाऊंगी जिसमें हमारे पास FSH, TSH, LH, T3 और T4 आते हैं. उससे कंफर्म होता है कि अब इसको ये वाली इश्यूज है. तो बेटा जितने भी हमारे पास ये हार्मोनल इश्यूज होते हैं या थायराइड इश्यूज होते हैं, ये टेस्ट कंफर्मेशन के बाद उसके अकॉर्डिंग डाइट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल जो हाइपो का पेशेंट होगा वो हाइपो की डाइट लेगा, जो हाइपर का होगा वो हाइपर की डाइट लेगा. किसी का अगर थायरॉयडल इश्यू चल रहा है, T3 T4 चल रहा है, तो बेटा इस तरह की डाइट अवेलेबल है जो थायरोक्सिन में काम आती है, तो वो उसको वो वाली फूड लिस्ट देंगे. ठीक है, हम लोग जो फिजिकली पेशेंट का असेस करते हैं ना, वो सिर्फ ये करते हैं कि पेशेंट का इंक्रीज हुए जा रहा है वेट, हालांकि हम उनकी हर तरह से हेल्प कर रहे हैं लेकिन वेट डिक्रीज नहीं हो रहा, फिर हम उसके बायोकेमिकल्स की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, जैसे PCOS है ना, PCOS में डिफरेंट सिम्टम्स के बेस पे PCOS डायग्नोस करते हैं. इसी तरह मेटाबॉलिज्म में भी डायग्नोस के बाद कंफर्मेशन टेस्ट होते हैं, और उस कंफर्मेशन टेस्ट के बाद हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं कि फला हार्मोन है वो कम है, वो नहीं हो रहा, तो ऐसे कौन से फूड अवेलेबल है जो उसको उस हार्मोन को इंड्यूस करवाएंगे. समझ लगी आपको? जी मैम, मुझे आपका पॉइंट समझ आया. और मैम मेरा एक और क्वेश्चन है कि ओबेसिटी और एडिमा को हम कैसे सही कर सकते हैं, जो वाटर रिटेंशन हो जाती है हमारी बॉडी में, अक्सर पेशेंट्स की थाइस में, लेग्स में, फीट में वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से कंटिन्यूस वेट गेन हो रहा है, तो हम फिर भी ओबेसिटी वाले टेस्ट पर ही रिलाई करेंगे, लाइक ABCD पर, स्किन फोल्ड थिकनेस, वेस्ट टू हिप रेशियो, इन पर ही रिलाई करेंगे, इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं? ओबेसिटी में जब भी एडिमा होता है ना, तो उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं.
जब पेशेंट को एडिमा हो रहा होता है वो सिर्फ ओबेसिटी की वजह से नहीं हो रहा होता, उसमें पेशेंट का फर्स्ट ये होता है कि B6 विटामिन जो है वो कम हो रहा होता है, उसकी बॉडी में पोटाशियम एंड मैग्नीशियम कम हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पोटाशियम और मैग्नीशियम जो है वो आपके मसल्स के लिए यूज होते हैं। दूसरा, उसकी बॉडी में सॉल्ट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गई होती है, तो जब बेटा सॉल्ट ज्यादा होता है तो उसकी किडनीज पे भी इफेक्ट आता है और उसकी हाइपरटेंशन इश्यूज भी होते हैं। तो जब ये दो इश्यूज होते हैं तब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ओबीस है, उसकी वाटर रिटेंशन भी हो रही है, तो मैं उसको असेस करूंगी कि वाटर रिटेंशन की रीजन क्या है। सिर्फ ओबेसिटी नहीं होगी, या तो हाइपरटेंशन होगी या वो नमक बहुत ज्यादा ले रहा होगा, क्योंकि सोडियम जो है वो आपकी बॉडी में पानी को कैचअप करता है। ठीक है, तो जब पानी को कैचअप कर रहा है तो मैं उसको पोटाशियम रिच डाइट देना शुरू कर दूंगी, B6 के सप्लीमेंट देना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो जब भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रही है उसके हिडन रीजंस होते हैं। मतलब अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन भी नहीं है तो मैं लाजमी तौर पे उसके RFTs और LFTs करवाऊंगी कि अब नेक्स्ट फर्दर इसके क्या इश्यूज। ठीक है, वरना ज्यादातर केसेस में जो बेस्टिक की वजह से आपके एडिमा वगैरह हो रहे होते हैं ना, वो सोडियम पोटाशियम और मैग्नीशियम आपके जो मिनरल होते हैं ना उनकी वजह से हो रहे होते हैं। मैम एक पेशेंट है वो उन्हें हाइपरटेंशन भी नहीं है, उन्हें किडनी का प्रॉब्लम भी नहीं है और डाइट में कोई अनअप्रोप्रिएट चीज भी नहीं है। जी, आवाज ब्रेक हो रही है। मैम एक पेशेंट है, उनका वेट 100+ है ड्यू टू एडिमा। वो पहले इतनी ओबेस नहीं थी लेकिन उनके एडिमा कंटिन्यूअस इंक्रीज हुए जा रहा है। वो हाइपरटेंसिव भी नहीं है और उन्हें ये हैबिट भी नहीं है कि वो सॉल्ट अपने फूड पर स्प्रिंकल करके खाएं, इस तरह की कोई बैड हैबिट नहीं है। तो मैम उनके लिए हम क्या करें, उन्हें कौन से टेस्ट रेफर किए जाए? इनका रीजन ये होता है कि जो इनके विजल्स होते हैं ना ऑर्गन्स के बहुत ज्यादा गिर्द होते हैं। आप इनके जब भी करवाओगे ना, इनके SGPTs करवा लोगे, ALT/ST करवा लोगे, ये हमेशा एलिवेटेड होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बॉडी में एडिमा भी हो रहा है और आपके पूरे ऑर्गन और हर चीज जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी। मैं आप एक बार विजल्स को थोड़ा एलिब्रेट कर सकती हैं? मुझे समझ नहीं आ रही आपकी, पता नहीं मेरा शायद कनेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल ठीक आती है लेकिन अगेन इधर उधर हो जाती है। मैं साहब विजरल्स को थोड़ा एलाब्रेट कर सकती हैं? विजरल्स को, विजरल फैट किसी ने पढ़ा है कभी? कौन बताएगा? The fat that is present near our organs. Near over? Hello? Organs. बेटा जो विजरल फैट्स होते हैं ना उसको हम लोग हिडन फैट्स भी कहते हैं, और जो हिडन फैट्स होते हैं वो आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके अराउंड रैप किए होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉडी, वो जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, इसको हम लोग कहते हैं कि ये विजरल्स है। विजरल फैट्स होते हैं जो अराउंड द ऑर्गन होते हैं या विद इन द ऑर्गन? वालेकुम अस्सलाम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आफ्टर डिलीवरी बेली फैट्स और डॉग और थाई एरिया पे जो फैट होती है इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जबकि उस टाइम जो बेबी होता है वो फ्रीक्वेंटली फीड कर रहा होता है और जो मदर होती है वो फ्रीक्वेंटली मील्स ले रही होती है क्योंकि वो बेबी फीड कर रहा है उसकी वजह से उसको ज्यादा भूख लगती है। तो इस टाइम बेली फैट्स और थाई फर्स्ट मिस्टेक तो लोग यही करते हैं ना कि जब 6 hours के बाद उसके इंटेस्टाइन की बबलिंग चेक की जाती है और उसका NPO ब्रेक करवाया जाता है। NPO में भी यू नो कि नथिंग प्रोसेस, जब पेशेंट कॉन्शियस अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट में आता है उसके बाद उसके इंटेस्टाइन को स्टेथोस्कोप के मदद से उसकी बबलिंग चेक की जाती है और फिर चेक किया जाता है कि अब इसके इंटेस्टाइन वर्क कर रही है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो सकती है, तो अब इसको कुछ खाने के लिए दे दें। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यहाँ तो उनको कैफीन दे रहे होते हैं या सिंपल पानी दे रहे होते हैं, लेकिन ये आप नहीं उनको देते। आप सबसे पहले जो है उनको देते हो हमेशा, आप हमेशा उनको क्रिस्टल डाइट देते हो। क्रिस्टल डाइट होती है कि आपने एक ग्लास में चीज ली है वो आर पार नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको सिनेमन वाटर दे सकते हो, आप उसको लेमन वाटर दे सकते हो, आप उसको हनी एंड वाटर दे सकते हो। हमेशा क्रिस्टल डाइट से उसका एनपीओ ब्रेक करवाते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है पेशेंट पे। उसके बाद क्या है कि इस तरह के जो सेक्शन के मदर्स होती है उनको दो इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, एक उनको कॉन्स्टिपेशन, दूसरा उनको गैस ट्रबल।
कॉन्स्टिपेशन और गैस ट्रबल, ये दो मेन चीजें हैं जो आपका पेट बढ़ाती है। तो सबसे पहले आप जब उनको देते हो, आप उनको कोई भी डाइट दे रहे हो उसके उनको कहवा दो जिससे उनकी गैस ट्रबल ना हो, बाद में उनको हाई फाइबरस कोई चीज दो जिससे उनकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाए। आप सिर्फ अगर यही स्टेप्स ले लें तो मोस्टली मतलब कह सकते हैं कि 100 में से 50% इशू तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर आप उनके यही इश्यूज को कॉम्पेंसेट कर ले तो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। Okay, ma'am. Thank you. Now we have to end this meeting. So, ma'am, thank you so much. That was really very amazing session, and like you explained everything in an amazing way. And we hope you will join us for more sessions as well. Thank you again. Okay. Thank you. Okay. We will see you people in our next room. Till then, Allah Hafiz.